गली में तुम्हारा इंतजार है। उनकी शर्त मान ले, बढ़ जा कर जोई। मेरे दिल में जोया अभी कल आके बसी, और आप सब मेरे दिल ही नहीं मेरे वजूद का हिस्सा है दादाजी। हम लोगों की तलाकों के बावजूद उन्होंने जोया पर कोई गलत गुमान नहीं रखा, पर मैं शायद इतनी आला जर्फ नहीं हूं। मैं अपने जहन से यह बात कैसे निकाल दूं कि उनके घर जाने वाली हर दुल्हन सिर्फ एक साल जिंदा रह पाती है। जैसे मुझे आपसे अम्मी से मोहब्बत है, उसे भी अपने बाप दादा से होगी। जब मैं अम्मी को इम्तिहान में नहीं डाल सकती तो मैं उसे आजमाइश में कैसे डालूं? प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। अल्लाह तबारक व ताला ने हर मुश्किल का कोई ना कोई हल तो रखा हुआ है। इसी तरह मौला के करम से मैंने भी इसका एक हल निकाला है। शीरी बहन, तुम्हारे मकान की ऊपर वाली मंजिल खाली है ना? पूरा बना बनाया मकान? हाँ, चूंकि हम अकेली औरतें हैं इसलिए कभी घर को किराए पर चढ़ाने का सोचा नहीं। पता नहीं कौन आके सर पे चढ़ जाए। देखो भाई, तुम्हें यही एतराज है ना कि जोया उस घर में जाके रहेगी जो उसका ससुराल है, वरना तुम हमजा से तो राजी हो ना? हाँ भाई हाँ, कह तो दिया, अब कितनी बार कहलवाओगे? क्या तस्बीह जपूं आप? बस भाई, इसका हल ये है कि इनका पूरा कुंडा तुम्हारे मकान की ऊपर वाली मंजिल में रहेगा। माशाल्लाह, सदके जाऊं तुम्हारे मशवरे के, तुम्हारी अकल के और तुम्हारे फैसले के। यानी मेरा पुत्र अकेला घर जवाई नहीं बनना चाह रहा, इसने पूरे टब्बर को ही एडजस्ट कर दिया। वाह भाई वाह। इससे बात नहीं, मुझे बात करनी, जरा चुप करो। देखिए आप ना हिदायत भाई की बात और से सुने। जैसे आप मेरे यहाँ किराया देते हैं ना तो ये घर आपका हुआ, इसी तरह आप शीरी के घर किराया देंगे तो वो भी आपने घर हुआ ना, समझ गए? और हम ना जोया? हाँ तो ये ऊपर वाला माला जो है इधर, जो जोया का कमरा नहीं है, जो उसी लाइन में आगे जो एक कोने वाला कमरा बना है जिसमें बिल्ली ने बच्चे दिए हुए, उसके बराबर वाला कमरा खाली है, रह लेना। हाँ बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। इस तरह ना जोया ससुराल भी नहीं जाएगी और घर दामाद भी नहीं बनना पड़ेगा उसको। मैटर तो सॉल्व ही हो गया। श्री बहन, हमजा अपने कमरे का किराया खुद देगा, इस तरह उसकी खुददारी भी कायम रहेगी और ये लोग अपने अपने हिस्से का किराया देंगे ताकि तुम्हें ये महसूस ना हो कि जोया अपने ससुराल में रह रही है। वही तो, यही। नहीं जी अब्बा जी, मुझे बिल्कुल ये बात कबूल नहीं है। ये बंदर बांट हो रही है, मैं आपको बता दूं। यानी हमारा टब्बर ही जुदा हो जाए, पुत्र अलग रहे, मैं अलग रहूं, मुझे नहीं मंजूर। ओ नहीं यार, ओ भाई पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो। समझाया, बात दिल को लगती है। अब्बा जी बुढ़ी बड़ी कौड़ी है। हाँ मेरे दिल को भी लगती है। इस तरह वो दोनों तुम्हारी नजरों के सामने रहेंगे और इकट्ठे भी रहेंगे, न किसी की शर्त और ना किसी की गारंटी। ठीक है? हाँ ये हो सकता। चलो भी चलो, फिर इसी बात पे मुंह मीठा कराओ और बारात के दिन रखो। हातिम भाई गले लगो और मुबारकबाद लो भाई। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक सबको भाई। अलैकुम खाला। जोया, जोया मेरी बहन। क्या हुआ है खाला? एक दिन तो ये होना ही था, पर दिल को कौन समझाए, दिल तो अभी से डूब रहा है। या अल्लाह, खैर हुआ क्या है? नानी तो ठीक है? आज मुझे यकीन हो गया, किसी के जाने ना जाने से कुछ नहीं होता, वही होता है
जो मंसूरे खुदा हो। वो हटे आप, मैं खुद देखती हूँ। नानी नानी नानी, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह का नानी ठीक है। किस वक्त की नमाज पढ़ी है? शुक्राने के नफल, वो 100 नफल मान लिए थे ना शुक्राने के, वो अदा कर रही। 100 नफल शुक्राने के? किस बात का शुक्राना? वही तो बता रही हूँ, तभी तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे। ओफो खाला, ऐसा क्या हो गया जिस पे आपको इतना सदमा हो गया कि आंसू नहीं रुक रहे? और नानी इतनी सरशार के 100 नफल अदा कर रही है शुक्राने के। सबका ना खुश होने का अपना अपना अंदाज है। तुम्हारी अम्मा खुशी जताने को मोहल्ले में मिठाई बांट रही, अम्मा नफल पे नफल अदा कर, मेरे तो खुशी के आंसू थाम ही नहीं रहे। क्या घुमाए जा रही है बच्ची का दिमाग, क्या घुमाए जा रही है? सीधा सीधा क्यों नहीं बताती कि अपनी बच्ची के दिल के मुराद पा लेने पे शुक्राने के नफल अदा कर रही हूँ और उसके और हमजा के आने वाले सुख भरे दिन की दुआएं कर रही हूँ। मेरे मौला, मेरे और हमजा के, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो दादाजी? जल्दी करो ना, जिम जाना है मुझे। एक मिनट। अरे शुरू हो जा। तू तो चुप कर यार। दादाजी होश करें, सदमे का असर तो नहीं हो गया आपको? अब्बू ये देखे, मेरा पोतरा लाड़ा बनेगा, ओ जंज निकलेगी, ओ मैं कोड़ी अग्गे दे पंगड़ा पाऊंगा। सामने वाले घर में तो बारात लेके जानी है, घोड़ी को जमे देने की क्या जरूरत है? सामने वाले घर, ओए मन गई है स्टोर वाली, तेरा ब्याह होएगा जोया नाल, और 10 दिन बाद, आफ्टर 10 डे, और चिट्टी कोड़ी। दादाजी मजाक कर रहे हैं? दादाजी मेरी कसम खाए, अल्लाह की कसम, सहम से लगते सुलगते हैं हर पल अरमां हजार, कैद नहीं माने दुनिया को ना जाने, प्यार तो होता है प्यार, प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है, प्रेम गली की प्लानिंग ही कुछ ऐसी है, तुम्हें मेरे अलावा कोई पसंद कर ही नहीं सकता। मुझे दुकान पे भी बैठना होता है, सारा वक्त इन लोगों की निगरानी नहीं कर सकती मैं। काम सारा ध्यान से करना, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोगों को खुली छूट मिल गई है, समझ आई है?
घंटे घंटे बाद आकर झांकती रहूंगी मैं, समझी? चलो बेटे निकलो। ये मुश्तंडे कौन है? मजदूर है। ये तो दिख रहा है मैं कौन सा शहजादों या रईसों का मुगालता लिए बैठा हूं। पता करें पीछे। लेकिन ये यूं दंदनाते हुए बालाय मंदिर में क्यों घुसे जा रहे हैं? उनको जो बिठा लिया सर पे, अब इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। कहीं का दरवाजा झूल रहा है, कहीं की चटखनी टूटी हुई है, कहीं का नलका खराब है। सब कुछ दुरुस्त कराना पड़ेगा और कलाई भी करानी पड़ेगी। आए आए इतना खर्चा, एक बच्ची की शादी का खर्चा, ऊपर से ये नहीं उस्ताद। खैर अम्मा, बच्ची की शादी का खर्चा तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो खर्चा है ना, मैं पाई पाई वसूल करूंगी उनसे। शर्म ना आवे, संधियों से पैसे बटोरेगी। शर्म की क्या बात है, समध्याने से थोड़ी लूंगी, किराएदारों से लूंगी। समध्याना अपनी जगह, कारोबारी मामला अपनी जगह। अच्छा वो मुसरत से कहना दो चार दिन की छुट्टी ले ले स्कूल से, वो जोया को बाजार ले जाए, उसे शादी की खरीदारी करवा। बंदी किस लिए है? मैं लेके जाऊंगी अपनी जोया को। अरे खुशी से उसकी शॉपिंग करवाऊंगी मैं, जो चाहे खरीद ले भाई, जो चाहे खरीद ले। अब्बा जी मैं इतने पैसों का इंतजाम कहां से करूं? ओए बरी का बंदोबस्त नहीं करना हमसा की शादी के लिए? कोई जरूरत नहीं है इस तरह के चौंचलों की। बामुने साफ साफ बता देंगे हमारे घर में कोई औरत ही नहीं है, तो इंतजाम कौन करे? चल फिर ठीक है, लड़की के हाथ पे रखेंगे पैसे और उसको कहेंगे मर्जी से अपनी चीजें खरीद ले, जेवर ले ले, कपड़े लत्ते जो मर्जी। और खुदा का वास्ते अब्बा जी, इस तरह का कोई वादा मत कीजिएगा। वो पता नहीं कितना खर्चा करवा दें वो, हम खुद ही दे देंगे जो हमने देना होगा अपनी औकात के मुताबिक। और तेरी औकात तो टकेगी नहीं है अब्बा जी। खर्चा खर्चा, ओए एक गलते दा। हाँ जी। वो जो हमजे की माँ का जेवर बचा के रखा था वो किधर है? वो तो बिक बिका गए कब के। अब्बा जी मैं वो जेवर देखता था ना तो मेरा दिल बड़ा दुखता था, रोना निकल जाता था मेरा, इसलिए मैंने वो बेच ही दी। लानत है तुझ पे भाई, लानत। अब्बा जी। हाँ आया पुत्र। ये जेवरात है दुआ के, बहुत अजीज है मुझे। शाबाश। अगर हमजा खून है अपना, उसकी दुल्हन को पहना दीजिएगा। की परे कर परे, मैंने नहीं पहनाने ये जेवर। वो क्यों है? वो अब्बा जी को खुदा का खौफ करे, और जब इसकी बीवी ने खुदकुशी की थी यही मनहूस जेवर तो उसने पहने हुए थे, और हराम मौत मरी थी वो। मैं अपनी होने वाली बहू को इस तरह की मनहूस चीज नहीं पहनाऊंगा। बहुत दिल तोड़ने वाली बात की है आपने पाए। तो तू रहन दे, मेरी दुआ के बारे में ऐसे अल्फाज। ओए पुत्र जाग ले अब्बा जी, अब देखना सारी रात मैच गाने लगा के पूड़ी डालेगा। ओ यार कौन लोग हो तुसी? ये छक्का और ये चार, ये तेरी तो गोटी गई। ये गई। अबे आ गया, खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे मायानी से इसकी शादी हो रही है। यार प्रेम दली की मायली तो हुई थी, वो बाकी सारी नरगिस और दीदार है। क्या हाल है तुम लोगों का? ये वैसे कमाल है, अच्छे दोस्त हो तुम लोग मेरे। गिन के 9-10 दिन रह गए मेरी शादी को, ना कोई शुगल ना कोई मेला, कुछ तो करो यार, रौनक लगाओ। अबे यार चलो यार छोड़ो, इसकी बात ही नहीं खत्म, छोड़ इसको। अबे खराब कर यार, छोड़। अबे सही है, चल छोड़ आज जल्दी। क्या कर रहे हो? नहीं सुननी कुछ भी। सुन तो सुन, जोया ए जोया, जोया उठ जा, जोया उठ, जोया उठ। क्या हुआ नानी? जोया अभी तो सिर्फ 7:30 हुए, तो मैं कॉलेज भी नहीं जाती आज, तो नींद पूरी करनी। शादी की खरीदारी के लिए नहीं जाना है? फिर ना कहियो नानी ने खरीदारी नहीं करवाई। चल उठ। खरीदारी? हाँ
कि सुबह सुबह कौन चाची की शॉपिंग करता है। सॉरी सॉरी। तू अभी बिस्तर से निकलेगी, फिर एक घंटा लगाएगी तू गुसलखाने में, फिर आधा घंटा लगाएगी नाश्ते में, फिर तैयारी में। बेटा दस दस बजे से पहले तो हम ना निकल पावे घर से। दस बजे जाके कर दुकानों के ताले तोड़वाएंगे, आराम से निकलेंगे शाम में नानी, ठंडे ठंडे 4-5 बजे। ना भैया ना 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 बेटा, खरीदारी बहुत करनी है हमको और दिन तेरे पास सिर्फ एक है, बस आज ही सब कुछ ले लीजो। सिर्फ एक दिन क्यों? क्योंकि शादी से एक हफ्ता पहले मैं तुझे घर से ना निकलने दूंगी। हाय अल्लाह नानी। शादी के पहले जो लड़कियां लूर लूर फिरे हैं तो दुल्हन बन के उनके चेहरे पे नूर ना आवे। मुझे दुल्हन बन के कौन सा बरातियों को पानी दम करके देना है, नूर लाजमी है चेहरे पे। पान चलावे हैं, चतर चतर करे जावे जान नानी के सामने। क्या ससुर को और दादा ससुर को यही गुण दिखा के नाम डुबोएगी हमारा है? चल जल्दी कर, जल्दी कर, मैं चाय बना रही हूँ तेरे लिए, फटाफट आ रही हूँ। ठीक से दिया कर, ससुराल है तेरा यहाँ। अब ठीक है नानी, मशरक की लग रही है। चुप कर नानी, गोल गप्पा का ख्याल नहीं रहता। ए बेटा बाजार चल पहले, माने हुजूम हो जाता है बाजारों में लोगों का। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मियां जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हर वक्त की जबरदस्ती, मेरी अपनी कोई मर्जी है कि नहीं? चुप कर, मर्जी की होती सोती है। इस सन्नाटे को रिक्शा लेने भेजा था, जाने कहाँ रह गया कमबख्त। वैसे नानी आप और अम्मी ना ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। पक पक बंद कर, आ गया आ गया है लक्का। आ गया, इतनी देर कहाँ था तू? हैदराबाद गया था रिक्शा लेने। अब अगर इसने उधार मांगा तो मैं इनकार भी नहीं कर सकूंगी समझाने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है भाई साहब, आज काम पे नहीं गए? ओ बहन जी, सारे काम मेरी तो जिम्मेदारी है, मैं अपने काम पे चला जाऊंगा तो ये पीछे वाले काम कौन करेगा? अच्छा अच्छा, मैं दरअसल ये पूछने के लिए आया था कि हम कब शिफ्ट हो सकते हैं आपके घर। जिस रात बारात लेकर आएंगे उसी दिन सवेरे अपना सामान ले आइएगा। अच्छा, यानी कि 4 तारीख को? जी नहीं, अगर हम पहली को हो जाएं शिफ्ट तो देखना, किराया तो आपने पूरे महीने का लेना है जी, तो वो 4 दिन अगर कम होंगे महीने में, या तो ये है कि भाई आप 4 दिन की कटौती कर लें, हिसाब किताब मावां तियां दा किराए में से, हम 4 को आ जाते, 5 को आ जाते। मैं अपनी तर्ज का वाहिद पीस हूँ, पर वाह मुझे तो समझी भी टक्कर का ही मिला है। ठीक है भाई साहब, आप पहली को ही आ जाएं। वैसे तो कुछ काम चल रहा था मगर खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये कुछ रंग रोगन करवाया था और कुछ मुरम्मत है उसका खर्चा, तो ये है बिल, कॉल बिल भी लगवाई है, उसकी भी रकम इसमें दर्ज है। 2 महीने का एडवांस भी देना होगा। आप तो हिसाब किताब में ही पड़ गई हैं, ऐसे थोड़ा ही करना चाहिए, अब तो हमारी रिश्तेदारी हो गई है, कुछ तो लिहाज करें। जी भाई साहब, इसी का लिहाज करके मैंने सिर्फ एडवांस मांगा है, सिक्योरिटी नहीं मांगी है। ये बिल के पैसे ज्यादा हैं। नहीं आप नहीं, पता नहीं, तो करें पता करें बाजार। नहीं, नहीं नहीं नहीं, चूचे चूचे वाली है, पता नहीं शायद अच्छी प्यारी सी है आवाज। चूचे वाली अगर है तो ज्यादा पैसे। भाई मिस्त्री ने लगाई है ना, मैं क्या करूँ, आप मुझे काम करने देंगे? आप इत्मीनान से घर जाके देखिए। नहीं बिल महंगी है, बिल महंगी और इतना महंगा नहीं भाई। नहीं नहीं दुआ। जोया को एक और दुआ की तरह जान की बाजी नहीं हारने दूंगा मैं। प्रेम गली इंतजार है।
मैंने काला खराब लगाना, लाल मेहंदी नहीं लगानी मैंने अपने पोतरे की शादी के फंक्शन में, बता देता हूँ मैं। हद होती है वैसे किसी बात की, इतनी बेगैरती। ओए बाप बाल काले कर ले तो बेगैरत, और तू जो हर हफ्ते अपनी मूछे और बाल रंगता है तो बेशरम बुड्ढे से ऐसे बात करते हैं। अब्बा जी खुदा का वास्ता, मेरी इतनी जुरत है मैं आपके बारे में इस तरह की बात करूं? ओए अब्बा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और अब हमारी मजबूरी देख कर ना वो और ज्यादा चौड़ हो रही है। वो कौन? ओए अब्बा जी वही हमजा की ससुराल वालियां। ना भला हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि हम जाके उनके चुबारे पे बसेरा इख्तियार कर लें उनकी फरमाइश पे, अब वो हमें मजबूर समझ के और ज्यादा दबाने की कोशिश कर रही हैं। अब्बा जी मेरी छठी इस कह रही है कुछ गलत होने वाला। शर्म कर, मुझसे कोई अच्छी बात कर, शगुन वाला कह रहे। अब्बा जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये मेरी खब्बी आँख है ना, ये कल से फड़क रही है, मैं तीले लगा लगा के पागल हो गया हूँ। बेशर्मा बेशर्मा फिटे मुंह तेरा। अब्बा जी बहुत बड़ी गलती हो गई ना, देखे ना पीरो मुर्शद से कोई मशवरा ही नहीं किया, उनसे सलाह मशवरा करते कि भी शादी करनी चाहिए इधर के नहीं। तेरे अब्बा जी मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरा दिल गवाही देता है अब्बा जी, अगर हमने जाके वहाँ रिहाइश इख्तियार की या ये शादी हुई हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं तो पीरो मुर्शद को बुलाने लगा हूँ, आके हमें कोई सीधा रास्ता तो दिखाएं। ठीक है बुला, इस बार मैं उससे बात करूंगा, तेरे पीरो मुर्शद से बुला, चल लगा दे। कह रहे हैं मेहंदी नहीं लगवानी, खसाब लगाना है। दस ना मैं समझा खसाब है, खसाब नहीं मेहंदी है। क्या पहला आदमी है? मेरा ही दिमाग खराब था जो आपके साथ शॉपिंग करने चली गई, जाना ही नहीं चाहिए था। शीरी क्या कहेगी? सवेरे के निकले हुए असर को लौटे और कुछ खरीदा भी नहीं, या अल्लाह क्या गर्मी थी। तो कुछ तो ले लेती। क्या ले लेती? कुछ लेनी थी आपने? कंस करेगी बूढ़ी नानी पे है बिटिया, मैं ये पैसे क्या कब्र में लेके जाऊंगी, सारे तेरी खरीदारी के लिए है। हाय सच्ची नानी मेरी जान, वाकई? हाँ बिटिया, सारे के सारे पूरे के पूरे 15,000, इतनी खतीर रकम वक्फ कर दी मेरे लिए। 15,000 नहीं, 21,000 थे। 6,000 तो मैं छुपा के गई थी घर पे, किसी काम आएंगे। सही है, ये 6,000 भी बचा कर रख लीजिएगा, सोना बहुत महंगा हो गया है ना आजकल, उसके सोने के कंगन बनवा लीजिएगा आप। देखो सर इतनी गर्मी में मैं तुझे बाजार लेकर गई और तू तप रही है, ए, अब रोने लगी है? बस यही आए तुझे। दादाजी क्या किया आपने? क्यों आया? आपको रोकना चाहिए था, उल्टा आपने भेज दिया उनको मुर्शिद को लेने। और इसके मुर्शिद पे मुझे सालों से तप है, एक बारी आने दे होश ठिकाने लगा दूंगा मैं। दादाजी ये वक्त नहीं है सालों पुरानी तप निकालने का, अगर उस खुदा ना खास्ता उसने कोई उल्टी सीधी पेशम गोई कर दी शादी के बारे में, तो आपको पता कि अब्बू कितना यकीन रखते हैं उस पे। ओ आने दे आने दे, उसने कुछ कहा तो मैं उसके खुन्ने सेक दूंगा। आदमी सेकने का क्या फायदा दादाजी, जो करना पहले करें। ओ आने दे ले जा तू, वो आत्मा कह रहा था कि वो हमजे को भेज देना गाड़ी पर, वो इज्जत से लेकर आएगा उसको। मैंने जाने? हाँ हाँ ये किराया ले, तू उसको लेकर जा इज्जत से ला, फिर देख मैं उसकी कैसे इज्जत करता हूँ। बस दादाजी आप फिक्र ही ना करें, देखे मैं करता क्या हूँ, बाकी इज्जत मैं कर लूंगा, क्या करेगा खाचो कौड़ा तुआ कट के बक्से चो बेजुबान कटाई। तो दासो मेरी गुड़िया, मैं अपनी जान पर खेलकर तुझे बाजार लेकर जाऊंगी। जान पे खेलने की कोई इमरजेंसी नहीं है, बस मैं नानी के साथ नहीं जाऊंगी ना ही उनकी पसंद की शॉपिंग करूंगी। तू फिक्र क्यों कर रही है? अभी मैं जिंदा हूँ, मैं देखती हूँ कौन तेरे साथ जबरदस्ती कर, जो होगा तेरी पसंद से होगा तो तेरा हक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने सामान रखवा दिया मासू साहब? जी नहीं, वो एक चक्कर और लगेगा,
अब्बा जी का पलंग और बावर्ची खाने का सामान रह गया है। अभी बहुत वक्त पड़ा है, देख लेना मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। क्यों कर रही है तू? तो नानी और अम्मी क्यों नहीं समझती कि जब शादी मेरी है तो मर्जी भी मेरी होनी चाहिए ना। मैंने तुझे कहा ना, जान दे दूंगी लेकिन अम्मा की पसंद का एक भी जोड़ा नहीं बनने दूंगी, देख ले। ओफो, फिर से जान देने पे तुल गई हैं आप खाला। ओए पौंग, पौंगदा क्यों नहीं? अब जो बात होगी हातिम पायन और हमजा के सामने होगी। की मतलब मेरी कोई ऐसी हद नहीं है, मेरे तो पर्दा है। हातिम पायन, आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। खबरदार, खर्चा मत मांगे कोई। यहाँ किसी की जान खर्च होने वाली है पायन। ओ, क्या हुआ अब? हमजा कहाँ है, उसके सामने बात होगी। हमजा तो कल दोपहर तक आएगा, पीरो मुर्शद को लेने गया हुआ है। फजर के टाइम निकलेंगे, दोपहर के टाइम। ये सब ठीक नहीं हो रहा पायन। खबरदार, खबरदार, अगर मेरे और पीरो मुर्शद के दरमियान कोई आया तो यहाँ पे वही होगा जो मुर्शद कहेंगे। मुर्शद मुतमईन करेंगे तो शादी होगी। ओए की मतलब है तेरा? तीन दिन के बाद भी आ है और टूट पड़ना तेरा मुर्शद जे उन्हें कहता कि ब्याह नहीं होना तो तू नहीं करेगा? तो ठीक है अब्बा जी, अगर मुर्शद ने ये कहा और ये जरूरी हुआ तो ये ही हो। और लानत है, जरूरत है पायन, जरूरत है, बस ये शादी नहीं हो सकती। और लानत है तेरे। तो तुझे क्या तकलीफ है यार? शादी में बड़ी बर्बादी है पायन, ये जुल्म है। एक और दुआ जुल्म की भीड़ चढ़ने वाली है। लो बच्ची, फिर दुआ। और खुदा का वास्ता है, वो दुनिया से चली गई, उसको बख्श दे। अब दुआ के लिए तू दुआ किया कर। अब्बा जी खुदा का वास्ता है, अब्बा जी बैठ जाए। अब्बा जी ईमान, बंदे का ईमान मजबूत होना चाहिए, खास तौर पे अपने मुर्शिद पर। मुर्शिद कभी गुमराह नहीं करता, कभी गलत मशवरा नहीं देता, लेकिन कभी कभी गलत मशवरा दे भी देता है, लेकिन उसका जमीर उसे छित्तर मारता है। लेकिन मकसद उसूल के लिए जमीर चित्रोल भी बर्दाश्त कर लेता है। जैसे ही तुम्हारे घर वालों ने मेरा रिश्ता कबूल किया, मुझे लगा मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इस पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। जैसे अपनी मोहब्बत बिना किसी रुकावट के मिल गई। कितना खुदगर्ज था मैं दुआ, कितना खुदगर्ज था मैं, सिर्फ अपना सोचता रहा, अपनी मोहब्बत, अपनी पसंद, अपनी खुशियां, अपनी कामयाबी, ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम क्या चाहती हो, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो या नहीं, तुम भी मुझे पाके खुश हो या नहीं। खुदा की कसम दुआ, तुम्हें इतना चाहता था कि अगर मुझे पहले इल्म हो जाता तुम किसी और से जीने मरने के वादे कर चुकी हो, मैं कभी दरमियान में ना आता, कभी नहीं। मगर अब मैं ये तारीख दोहराने नहीं, जोया को एक और दुआ की तरह जान की बाजी नहीं हारने दूंगा। हाँ जी पीरो मुर्शद। रोशनी ही रोशनी, बरकत ही बरकत। हैं जी, ये बच्ची तुम्हारे खानदान के लिए बहुत मुबारक रहेगी, धन बरसेगा धन। बच्ची धन,
धन 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 यानी कि पैसा थबंटू कैश जी खुशहाली सब अपने साथ लेकर आएगी आने वाली। यही तो मसला है ना मुर्शद, वो नहीं आ रही है यहाँ पे, बल्कि हम जा रहे हैं पूरा टब्बर। आप ये बताइए कि अगर हम ये घर छोड़ के वहां पे शिफ्ट हो गए तो कोई मसला तो नहीं होगा? हो सकता है मसला, लेकिन होगा नहीं। तुम्हारे जो छोटे मोटे मसले हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारे लड़के की और तुम सब की भी। वाह 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 अब्बा जी, ले भाई हाथ में बच गए आए। अच्छा अल्लो पानी पिएंगे आप? हाँ पानी। ओ पीर साहब के लिए जलेबी और समोसे लाया हुआ हूँ, वो भी लेके आ। हाँ मेरे सामने ही बातें कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ बड़ी हूँ इस घर की, अब मेरा इतना भी हक ना होवे। क्या हो गया अम्मा, शादी की खरीदारी करने गई हैं बच्चियाँ, अब बच्चियों की पसंद का हमें क्या पता। यूं भी अगर तुम साथ चली जाती तो मेहमानों को न्योते कौन देता? एलो एल, अब नाइन बना लो मुझे इस उम्र में है, अब न्योते देने भी मैं अपनी बुढ़ी हड्डियाँ चटखाती फिरूंगी। तख्त से हिले बगैर पहुँच जाएगी सब मेहमानों को दावत, नया जमाना है अम्मा, कार्ड कौन छपवाता है? मेरे फ़ोन के पैकेज में 150 कॉलें फ्री हैं। हैं? कार्ड छपाने महंगे पड़ते हैं। ए शीरी, इस सस्ते महंगे के चक्कर में ना तू रस्में रिवाज जो है सारी भुलाई जा। बस रूखे मुंह से भी कोई अपनी खुशी में किसी को बुलावे इस तरह, क्या इज्जत है इसमें? इज्जत का तो पता नहीं, बचत ज़रूर है। चलो मिलाओ कॉल। अरे मुझे ना आवे। अरे एक बटन ही तो दबाना है, सबके नंबर है फ़ोन में। ना भैया ना, कौन पड़ेगा, चश्मा नहीं है मेरे। अम्मा बच गए, ओ हमजा डार्लिंग बच गए, हाँ बच गए, ओ हमजा डार्लिंग बच गए। अगर वो नहीं बचने वाली, कौन है वो? हाँ बोलो भाई। इस पर जुर्म का ये पहाड़ टूटने वाला है। चाचा क्या घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कौन? पाइन कहाँ? वो तो नाश्ता ठुसवा रहे हैं हलक तक अपने मुर्शद को, अभी आस्ताने भी छोड़ने जाएंगे। आपको क्या काम है उनसे? मुझे उनसे बात करना, वही कुछ कर सकते। तुम तो अपनी गर्ज में बिल्कुल अंधे हो चुके हो हमजा। कौन सी गर्ज, क्या बोली जा रही है चाचा? तुम बस जोया को पाना चाहते हो ये सोचे बगैर कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं। मर जाएगी वो हमजा, ये जुल्म मत करो। खुदा का वास्ता यार, कभी तो मुंह से कोई अच्छी बात निकाल लिया करे, कभी कभी ट्राई करके तो देखे यार, कभी दुआई दे दी हमजा जा तेरी बीवी की लंबी उम्र हो टाइप्स यार, कुछ तो यार। तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और से मोहब्बत करती है। फिर वही बात यार, आप यकीन करें मुझे, मैं आपको बता रहा हूं ना, प्यार करती है मुझसे। तुम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होने देंगे, ये शादी आपकी शादी है कि मेरी शादी है? अगर खुदा ना खास्ता जोया ने भी दुआ की तरह अपनी जान दे दी तो दो जुल्म होंगे, एक तो जोया का खून तुम्हारे सर पर होगा और दूसरा हमारे खानदान के ऊपर ठप्पा। और खुदा का वास्ता यार, ये क्यों आग लगाने वाली बातें कर रहे हैं? आप इधर हैं, आप इधर बैठे। नहीं 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 नहीं, मैं बजी और पायन को सारी बातें बता दूंगा। अच्छा ठीक है, वो भी मुर्शिद को जा रहे हैं आस्थाने छोड़ने, वापस आएंगे ना, दोनों बैठ के बात करेंगे, देख लेते कोई बात नहीं। आप इधर बैठे, आप इधर बैठे, चाय पियेंगे, चाय पियेंगे। आए हाय, मैं जानती थी फरी के साथ जाएगी तो पैसे डुबो कर ही आएगी। नानी इतने प्यारे कपड़े तो हैं, देखें तो कितना प्यारा है ये गरारा। ए हट परे, मेरी नवासी और शाब्दी पे ये झाबड़ झोला पहनेगी? झाबड़ झोले, ये क्या बला है? ये वही है जो तेरी जमाने की निकम्मी सहेली ने तुझे खरीदवाया है। और उसी लिबास भी ऐसा होवे, ये सफेद पहनेगी? आए अल्लाह, दुल्हन पे तो बस लाल सुर्ख
बहकता हुआ रंग या फिर आतशी गुलाबी रंग जचे। नानी अब कोई नहीं पहनता ऐसे चीखते चंगाड़ते रंग। मैं ना जाऊं, फेंक इसे और जाके कोई और जोड़ा ले आ। क्या बात कर रही है नानी, इतना प्यारा इस पे सीक्वेंस वाला काम है, पूरे 1,15,000 का मिला है। नका, 1,15,000? ओ मैया, अरे माँ का गारत कराई तू सारा पैसा है? चल मेरे साथ, चल चल चल, अभी जाते उस दर्जी के पास, उसके मुंह पे मारूंगी और इस रकम में तुझे 5 नए जोड़े लेके दूंगी। कौन सा दर्जी नानी, और ऐसे बड़े बड़े बुटीक्स में ऐसा नहीं होता कि एक वापस करके दूसरा ले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा यूं कर, रंगा ले इसे। नानी रंगवा ले मेरी बच्ची, कुछ तो ढंग निकले इस झाबड़ झोले, सफेद झाबड़ झोले का। इतने अरमानों से लिया है मैंने नानी, और आप ऐसा कह रही हैं? आग लगे ऐसे बेरंग अरमानों को, और ये पसंद है तेरी है? हरारा के गाँव तक क्या, इस हरारे के तो पाइंचे होए, गोट लगी होवे ऊपर से, और क्यों घेरेदार होवे, ये छिछड़ा उठा लाई, ये तो टांगों से चिपका रहेगा तेरी। नानी मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। कर तो परेशान ना, तो मैंने पैसे सही जगह खर्च किए है ना। हाँ दादाजी आपने जितने पैसे दिए थे सारे खर्च हो गए। आओ तो ठीक है, शेरवानी के लिए दिए थे। शेरवानी तो ली नहीं, सारे मुर्शिद पे लग गए। ओ बेड़ा खर्को है, वो मुर्शिद तो 2,250 रुपए की मार था, तूने सारे पैसे दे दिए उसे। ओ दादाजी उससे 2 काम पड़ गए थे ना, दूसरे के ज्यादा मांग रहा था। दूसरा कौन सा काम, जंजाले दिन वाजा जाना था उसने। वो पाएंगे ना, वो आपको बतावा। ओए छोड़ आया तू अपने मुर्शिद को। अब्बा जी मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मुर्शद ने तो रस्ते में अजीबोगरीब बात बता दी। और तेरे मुर्शद को यहाँ बात करनी चाहिए थी मेरे सामने, फिर मैं। बाजी वो बता रहे हैं कि कोई गैबी ताकत बल्कि शैतानी ताकत है जो इस शादी में रुकावट डालना चाहती है। ऐसी गैबी शैतानी ताकत। ओए अब्बा जी उस ताकत ने अपने लुकमान पे कब्जा कर लिया है। जी लुकमान के जरिए शादी को रोकने की कोशिश कर रहा है वो। दादा जी ये कैसे हो सकता है? वो चाचा तो मुझसे इतना प्यार करते, वो मेरी खुशी। पुत्र लुकमान तेरा चाचा है, शैतान नहीं। बस अब्बा जी मुर्शद ने कहा है ना तो ठीक ही कहा होगा, अब हमें करना ये है कि हमने लुकमान की किसी बात में नहीं आना और शादी वाली सारी स्कीम से उसको दूर रखना है। अल्लाह तू भी मुर्शिद एक बारी फिर आ सकता है ऐसे। बस करो ये वाला, वो तुमको नहीं आता भाई, क्या है उसका नाम, ए मुसरत कौन सा जो हम लोग, तुझे भी याद होगा इशरी कौन सा था वो, कौन सा मन काहे को ब्याही विदेश वो गाओ। चलो आवे तुम्हें, अच्छा मैं सुनाऊं, चलो काहे को ब्याही विदेश हो सखी बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश सभी बाबुल मोरे।
काहे को ब्याही विदेश, हम तोरे बाबुल बेले की कलियां, हम